आज भोले बाबा ने थोड़ी भांग पिला दे उठ के। अच्छा हाँ भांग पिला दू? भांग पिला दे। मैं ना उठू तेरी भांग? भांग तेरे घोटनी पड़ेगी दादा मुझे गले भी आ रहे गले। अच्छा तो कैपड़िया भांग पिला दे गोरा का हाथ के हमने पिला दे सारे भक्तार पिला दे। मैं ना घोटू ना घोटू अरे ना घोटू तेरे भांग घोटनी पड़ेगी। अच्छा हाँ ऐसे कैसे घोटनी ऐसे जैसे घोटते हैं ऐसे ना मैं ना घोटू अरे घोटनी पड़ेगी रहते रहते अरे यो जो तेरा कुंडी छोटा है हाँ इसने किनारा गांव की गड़िया में फोड़ के भगा दी मैं ना घोटू अरे ना इसी से बात तो है गोरा ये भगता ने कुंडी छोटा लाके दिया भोले बाबा ते। अच्छा अब तू मुझे फोड़ के भगा दो भाई भांग पीनी है पीनी है भांग भारी खड़ा हो मुंह बोल बोल रहा मैं ना पाऊंगी भोले ने भांग नहीं पिलाड़ी नहीं पिलाड़ी नहीं पिलाड़ी नहीं पिलाड़ी ता मैं क्या तनाव तो भाई को उठनी तो इसमें है ता मनो मुझे उठनी है ये तो भोले की बुट्टी है भोले का प्रसाद है। अच्छा और पिलाओगे तो यार तू भी पी लिया करे भोले एक बात बता गोरा लड्डू खाले जलेबी खाले चूरमा खाले भांग के पड़े भोले का प्रसाद है लड्डू पेड़ा तो ये भगत खावे ना सारे मैं ना लूटू तेरा मुंह नुकु करो या फूक पर रखी गई छू। हां तैयारी पार्टी ना भोग वाला के जो गाइस बोले कि बाप इन्हें भी तुम्हारे क्या भगत ने गोरा पर भांग गुटाणी सर। अच्छा अरे तो किनारा का मारी भांग उठनी पड़ेगी मेरी बात सुन ले बोले तेरी सुना दे थोड़े बगा देने नुगवार भगतो या कुंडी फोड़ बगा दे या कोई बात यही बात है ये तो 1% भी नहीं हो सकता काम क्यों नहीं हो सकता नहीं हो सकता कि बुला के हमें महफिल में नजरें चुराते हो और नजरें ही चुराना था तो महफिल में क्यों आते हो और कह देते भोलेनाथ की नफरत है आपको हमसे यूं भांग घोट घोट के हमारा दिल क्यों जलाते हो। गोरा शायरी आवाज है कि थोड़ी ताड़ी बजाओ गोरा ने शायरी आवाज है थोड़ी ताड़ी बजाओ भक्तो मैं बताऊंगा सही बात जब ताड़ी बजाओगे नहीं हाँ ये बता दो क्या है या कुंडी फोड़ बगा देने येर नाट मत ना गोरा प्यारी भांग पिला देने नाना क्या तो कहना ना लागू मैं तेरा मैं ना लागू नाना क्यों को है ना एक ना मतलब है नो नेवर मतलब नो जने जबान पे आऊं मैं नहीं होती वहां अब नो कह दे ना ना को एको नो वन के नो के चक्कर है अरे मेरी बात सुन ले हां सुना या कुंडी तोड़ बता दे ने बाबा भगवान सारे राजू देखे ये रात तेर मत ना गोरा प्यारी देखिए बड़ा काबा पड़ेगा बोले ये भूत नहीं है ये नंदी है नंदी तना नंदी ना क्या दिख रही भी हो एक बात बताऊं भक्तों मेरे एक बात याद आ गई चुकी है एक छोरे का रिश्ता पक्का कर दिया और रिश्ता पक्का करके मतलब ब्याह देख दो ब्याह दे दिया तो ये एक महीना करवा बड़ा भाई मार्च की 27 तारीख का टेक दिया ब्याह छोरी की आंगली कटकी उड़ दे उन्होंने सोचा जे ईर ना हमने बता दिया कि वह छोरी की आंगली कटकी तो छोरी का तो रिश्ता कैंसिल बताया है को नहीं और उन्होंने सुबह हिसाब का हाथ कट गया उड़ दे पूरा ना उन्होंने बताया सोचा जे तो हमने बताया छोरे के रिश्ते की साफ टाल
ताई सगा सगी में ब्याह टेक दिया और अगर बरात चली गई बनड़ा का नाम करके सुनो सोचा तेरा हाथ दिखते टाल हो गई ताई तरकीब लड़ाई उसने कोर्ट सिमवाया और कोर्ट की गोज में हाथ दे दिया वो दिखे नहीं टुंडवा हाथ और छोरी की एक अंगड़ी कटरी और फेरे लाके होना है और उसकी सारी शक्ति बोली मारे लूट लिया के इस अंगड़ी नहीं सही साची भी बताओ रे गल्ले तन्ने मारे लूट लिया हर के समझ नहीं से एक हर के इसने सोचा रोल रही है तेरा तो पूरा पंदा कटे इसने एक ही हर के इसने सोचा इतने ना बोल रहा है पंडित जी फेरे ना क्या करवान फेर वाला लूट लिया हर के इस समझ नहीं से एक पहला फेरा दूसरा फेरा तीसरा फेरा चौथा मन पंडित जी ने बोला वही है पराई देर के इसको सालों में फिर कहीं देखने में देखूंगा फिर मैं सारे जल्दी नोरी लूट लिया रखे संगली नहीं सही के पकड़ो खड़ा कर बोला नहीं लूटा रखे साढ़ हटोड़ करना भी एक है कैसे काम था को ना मेरी बात सुन ली। यो कार्तिक है और यो गणेश है। इसका सूट उखड़ गया।
मेरा छोड़ के आया है। बना भी हो जाए सुन। हाँ एक बार इसका नाम भी थोड़ी कुकर है, छोटी छोटी बाल है। अभी बालक है। अच्छा बालक है। अभी बच्चा है ये थोड़ा बड़ा है। यो भी ओठ छोटा है आकड़ा कुत्ते आई बिरयानी हां मंदिर है या पीडी पीओ इसे ने देखना है मंदिर जाके संजय के बिना। हां तो बोला है सीधा सटल लागे। हां बताइए ये कुंडी तोड़ बता देने मुझे थप्पड़ दो मैं थी तो वो मीठे बोल सुना देने